स्क्रीन पे ये स्विचर से हम लोग जो हमारी जीएमआर की जो लाइन है हमारे सारा दो लाइन से कनेक्टेड है, दो लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट करते हैं। ये हमारा बैटरी बैंक है, डीसी बैटरी बैंक है। इमरजेंसी के लिए अगर एसी सप्लाई फेल होता है तो उसके इमरजेंसी के लिए हम लोग ने डीसी बैटरी बैंक का भी यूज़ किया है। ये इमरजेंसी एसी सप्लाई के लिए हम लोग यूपीएस यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट के लिए। ये अलग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए रिलायबल। ये स्विच गियर से जो मैंने बताया था कि ST90 स्विच गियर्स होते हैं, ये स्विच गियर का एक व्यू है हमारा। AVR रूम है हमारे जनरेटर को कंट्रोल के लिए। ये हमारा इमरजेंसी डीजल जनरेटर सेट है। जब प्लांट ब्लैकआउट की कंडीशन में आ जाता है, जब हमारे पास कोई पावर अवेलेबल नहीं रहता, तो उस समय हम लोग डीजल जनरेटर से पावर 3 क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे आंधी तूफान आता है, जैसे हिमांशु बताया, दो लाइन हमारा ट्रांसमिशन का जाता है एक ही टावर के दोनों एंड में। देखे होंगे बड़े बड़े टावर में दो लाइन जाता है। कभी भी कोई आंधी आता है तो वो स्विंगिंग करता है, हवा का जो स्पीड बढ़ जाता है। तो दोनों हमारा प्रोटेक्शन ऐसा है कि स्विंगिंग हो गया तो टावर को टच होगा तो लाइन ट्रिप हो जाएगा, ताकि वो किसी को झटका ना लगे। तो जब दोनों लाइन डेड हो जाते हैं आंधी तूफान के टाइम में, तो पावर प्लांट को जो हम पावर दे रहे हैं हम ग्रिड से आइसोलेट हो गए। तो अभी हमारे पास सप्लाई कहीं नहीं है, अंधेरा है, तो ब्लैकआउट सिचुएशन उसको बोलते हैं। जो हमारे लिए सबसे ब्लैक डे होता है अगर ब्लैकआउट हो गया तो, उस सिचुएशन को हैंडल करना अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सारे पावर इंजीनियर के लिए। उस ब्लैकआउट में हमारे लिए जो जीवन रक्षक है वो दो चीज़ है, डीजल जनरेटर और एक है बैटरी। बैटरी का जो काम है हम लोग उसको 30 साल में मेंटेन करते हैं। 30 साल में वो 3 बार ही काम आता है जब वो बैकअप देता है। और 110 सेल का रहता है बड़ा बड़ा बैटरी, 2000 एम्पियर आवर का एक एक का सीरीज में लगा रहता है। अगर कोई एक बैटरी फेल हो गया तो बैटरी का बैंक फेल हो गया, वो बैकअप नहीं दे पाएगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। तो ये बैटरी बैंक और डीजी जो है ये जिंदगी में बहुत कम बार काम आते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस लाइफ टाइम करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे लिए जीवन रक्षक है, ठीक है। और जो स्विच गियर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, MV मिड वोल्टेज, एक होता है LV लो वोल्टेज, 3.3 kV और 33 kV। ये जो दो वोल्टेज है, इस वोल्टेज में हम लोग मोटर चलाते हैं। अपने पास जो मोटर है, जैसे घर में हम लोग देखे हैं पानी उठाने के लिए पंप रहता है, वो 230 वोल्ट का रहता है। इस तरह हर एक वोल्टेज लेवल का बड़ा बड़ा कैपेसिटी का मोटर रहता है, इसलिए वोल्टेजेस का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए उस मोटर को सप्लाई देने के लिए जैसे ये स्विच है, तो सारे स्विचेस का एक कॉम्बिनेशन को हम स्विच गियर बोलते हैं, जो स्विचिंग ही करता है। हर ब्रेकर का काम है आप ऑन करो या ऑफ करो। तो ये सारे ब्रेकर जो 11 kV 3.3 kV के हैं, इसके कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसको हम मोर प्रोटेक्टिव, मोर कॉम्पैक्ट, मोर इंटीग्रिटी टाइप बनाते हैं। तो इसके लिए इसका नाम स्विच गियर हो जाता है। तो अलग अलग वोल्टेज लेवल का स्विच गियर रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है हम लोग अपने प्लांट में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी आप देखेंगे, जैसे ये अपना सर्किट ब्रेकर है, ये अपना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इंटरप्टर्स हैं, एयर सर्किट ब्रेकर है हमारा। ये सर्किट ब्रेकर होता है कि जब भी हमारा जिस समय भी फॉल्ट आता है उसको आइसोलेट करने के लिए, जस्ट लाइक अ स्विच, स्विच को जैसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, कि ये भी वही काम करता है। जब भी हमको सर्किट को बंद करना है या फिर फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को आइसोलेट करना है, उस कंडीशन में हम लोग इस सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। उसके बाद ये हम लोग MCB यूज करते हैं। सब लोग आप लोग घर में जनरली देखे ही होंगे, ये देखे होंगे सब लोग, है ना, 4 पोल का मिनिएचर सर्किट होगा। ये चारों इसलिए दिखाया गया है, मैं आपको बताऊं, घर में आता है 230 वोल्ट, एक रहता है फेज, एक रहता है न्यूट्रल। तो फेज जो जाता है उसका पोल से, तो कभी कभी आप देखे होंगे लास्ट वाला 4 पोल लगाया होगा, उसमें 2 तार गया होगा, 2 खाली रहा होगा। तो ये जो है सबसे अनसेफ, कहने का मतलब यही है, जब आप घर पे MCB देख रहे हो उसमें एक एम्पियर लिखा रहता है, कितना एम्पियर का है, क्योंकि जब MCB जलता है तो उसमें अगर ओवरलोडिंग होता है, एक छोटा MCB है 2 एम्पियर का, हमने अपना सारा घर का एसेट लगा दिया जो 6 एम्पियर ले रहा है, तो MCB जल जाएगा, वहां से धुआं निकलेगा। तो हाउस सेफ्टी अगर बोलते हैं, डोमेस्टिक सेफ्टी, उस पर सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो है MCB। तो अगर हम अपने घर में जाते हैं आज के डेट में, सारे MCB को देख लें, उसमें एम्पियर लिखा रहता है, आप देखोगे सी करके या बी करके यहाँ पे 10 लिखा है, तो ये 10 एम्पियर का है, इसका मैक्सिमम 10 एम्पियर ले सकता है। और इसका जो पोल है 3 पोल है, तो घर में 3 पोल का कोई काम नहीं है,
अगर आप घर में देख रहे हो आपके यहाँ 3 पोल या 4 पोल वाला है तो गड़बड़ है सिस्टम में, आपके मतलब 3 फेज सप्लाई नहीं है, तो आप सिर्फ देखना ये और ये और इसके एम्पियर सही है कि नहीं। घर में अगर आपने 63 एम्पियर लगा दिया और जा रहा है आपके घर में 10 एम्पियर तो भी वो सही नहीं है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो अपना बोल देना भाई मेरा इतना फैन है इतना एम्पियर लेता है तो मैं कितना लिया हूँ। अगर आपका 10 एम्पियर का लोड है तो आप 10% मार्जिन रखो, मैक्सिमम 16 एम्पियर रखो क्योंकि 10-16 इस तरह का एम्पियर रहता है। आप अगर 63 एम्पियर ले लिया वो जितना भी एम्पियर ले रहा है लेकिन आपका MCB उससे ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना जरूरी नहीं है क्योंकि वो टाइम पे गिरना भी चाहिए। अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, सपोज 10 एम्पियर है कहीं पे टच हो रहा है मेटल पे और वो जो एम्पियर जा रहा है 30 एम्पियर तो फॉल्ट में कहीं चार्ज कर रहा है ना, लेकिन वो ट्रिप क्यों नहीं होगा क्योंकि आपने 63 एम्पियर का दिया। आगे दिखाएंगे RCCB जो आपके लिए एक जीवन रक्षक है घर के लिए, सबको उसको आज देख के जानने की जरूरत है। आगे ये मोटर के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन रूल के लिए सर्किट ब्रेकर है जिसको हम लोग MPCB भी बोलते हैं, आपने उन्हें सुना भी होगा इसमें MPCB। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो अभी अपन डिस्कस करेंगे दैट इज रेसिडुअल सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर, ये शायद सब लोग देखे होंगे। आजकल जो भी घर बनता है बिल्डर्स जो भी बनाता है तो सारा जो मेन प्रोटेक्शन है जो सप्लाई आता है इसके थ्रू आता है। अभी इसको देख के हम कैसे देखेंगे ये हमको बचाएगा कैसे, क्योंकि हमारे घर में हम घर से जब बाहर आ जाते हैं हमारे घर में जो भी हमारे घर लोग रहते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है, तो हम घर पे जाके एक बार झांक के देख ले मेरे घर में अगर RCCB लगा है तो वो कितने का है। जाहिर सी बात है मेरे घर में अगर सिंगल फेज आ रहा है तो मेरे को 4 पोल की जरूरत नहीं है, तो मेरा RCCB जो है 2 पोल वाला हो सकता है। 2 पोल हुआ मतलब एक होल में जाएगा फेज ऑयल, एक होल में जाएगा न्यूट्रल ऑयल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे टी बटन है, ये टी जो है टी फॉर ट्रिप ट्री फॉर टेस्ट, तो अगर इसका हेल्दीनेस चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं कभी भी इसका सप्लाई चेक करने के लिए हम इसको ऑन करते हैं। अगर यहाँ पे सप्लाई है तो सप्लाई दोनों एड्रेस में चला जाता है, अगर टी दबाते हैं तो नीचे गिर जाता है, इसमें कोई खतरा नहीं है। उससे पता चलता है मेरे घर में जो RCCB है वो हेल्दी है काम कर रहा है, ये मेरे घर में अगर किसी को झटका लगता है उससे पहले बचा देगा। अभी बात आती है इसमें लिखावट पे क्या देखना है, हर MCB का एक एम्पियर रहता है जो इसके अंदर कॉन्टैक्ट है ना, ये इंसुलेटिंग पार्ट है, इसके अंदर कंडक्टर है, कंडक्टर कितना एम्पियर ले सकता है। अगर हमारे घर में 12 एम्पियर 15 एम्पियर ले रहा है तो मैं 25 एम्पियर या 16 एम्पियर का यूज कर सकता हूँ, उतना मैक्सिमम करंट इसके थ्रू जाएगा। लेकिन इंसान को मानने के लिए एम्पियर की जरूरत नहीं होता है, मिली एम्पियर चाहिए। मिली एम्पियर को बचाएगा कैसे, ये इसके अंदर ऐसा प्रोटेक्शन है आपको पता होगा, करंट का बेसिक रूल बता देता हूँ। करंट जो है अपने आप में एक राजा है, करंट क्या करता है एक तो ऊपर सर्किट में जाता नहीं है, ऑलवेज उसको एक पाथ चाहिए। अगर उसके आगे का रास्ता क्लियर है वो विजनरी है, वो विजन है उसके पास कि मेरे रास्ता क्लियर है कि मैं जाऊं तो आऊं तभी जाऊं, अगर बंद हो गया तो नहीं जाऊं। तो आप देखिए अगर स्विच बंद कर दिया वहां पे वोल्टेज रहता है, जब आप स्विच ऑन करते हो वोल्टेज के माध्यम से करंट आता है, तो करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 10 एम्पियर का है, मेरे फैन अगर 2-2-2-5 फैन लगा दिया 10 एम्पियर का, तो मेरे फेज से 10 एम्पियर जाएगा फिर के न्यूट्रल में 10 एम्पियर आएगा। तो मिला जुला के देखा जाए दोनों पोल में 10 एम्पियर जा रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। ठीक है, अभी जो वेक्टर सम हम बोलते हैं जितना गया उतना गया, तो वेक्टर सम से कितना हुआ 0। तो कायदे से देखा जाए इसके अंदर जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है हर टाइम अगर बैलेंस लोड जा रहा है और आ रहा है तो उसको मिला 0 एम्पियर। तो इसका जो सेटिंग है आज के डेट में अगर 9 से 25 मिली एम्पियर जाता है तो हमको थोड़ा झटका लगता है, 30 मिली एम्पियर से ऊपर जाता है तो हम लोगों को आज के डेट में सारे RCCB का सेटिंग जो है 30 मिली एम्पियर रखा गया है, वो लिखा रहता है 30 मिली एम्पियर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन आप घर पे देखना। और पहले क्या होता था इंडस्ट्री में 100 मिली एम्पियर लिखता था, लेकिन 100 मिली एम्पियर लगाने के बाद भी झटका लगता था और झटके से लोगों को मौत भी होता था। उसके बाद नेशनल साउंड सेफ्टी काउंसिल ने डिसाइड किया कि इसका रेंज को हम कम कर देते हैं, तो अपने अदानी ने जितना भी RCCB है हमने 100 मिली एम्पियर को रिजेक्ट कर दिया है, अभी 30 मिली एम्पियर चल रहा है क्योंकि 30 से कम लोग हैं तो ज़्यादा सिटी में तो मैक्सिमम ट्रिपिंग हो जाएगा। तो हमको इंसान के सेफ्टी को भी देखना है, इक्विपमेंट को चलाना है, तो कोई भी RCCB घर पर लगा है तो उसका एम्पियर देखना है, उसका मिली एम्पियर देखना है। अगर आपके घर में RCCB 100 मिली एम्पियर का है तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको बदल दीजिए, 30 मिली एम्पियर का RCCB ले आइए और उसका एम्पियर देखिए घर के लोड के हिसाब से। दो चीज़ देखना है, 2 पोल का रहना चाहिए
उसका एम्पियर रेटिंग घर के लोड के बराबर होना चाहिए, उसे थोड़ा मार्जिनल होना चाहिए, उसका मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर कंपलसरी होना चाहिए। और अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हो तो ये बटन उठा के ये ट्यूब को दबा दो, अगर ये ट्रिप नहीं हो रहा है तो उसका अंदर का जो प्रोटेक्शन है वो खराब हो चुका। अगर इतना कर लिया आपने अपने सारे घर में और जहां भी जा रहे हैं उनको अगर बता दिया, आज के डेट में आरसीसी भी आपको बचा सकता है, तो घर में अगर बच्चे भी कहीं पे टच कर लिए अगर, तो क्या होता है मैं बताता हूँ। 10 एम्पियर गया, मैं अगर किसी में टच कर लिया, मेरे थ्रू झटका आया, तो 10 एम्पियर से 0.5 एम्पियर मेरे थ्रू चला गया करंट। तो अभी जो रिटर्न गया लोड के थ्रू कितना गया, टोटल 10 आया है, 9.5 गया। तो 10 और 9.5 का वेक्टर से अगर कायदे से बताया जाए अपोजिट में है तो 0.5 है, जो कि 500 मिली एम्पियर हो गया। 30 मिली एम्पियर पर ट्रिप होने वाली बात, 500 मिली एम्पियर ट्रिप हो जाएगा तो सप्लाई कट आउट हो गया, तो मैं बच गया। तो ये बहुत जरूरी है और यही शक्ति है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े नहीं है तो मेरे को यही समझ में आया आरसीसीबी क्या है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज आएगा, मैं बहुत जल्द से एग्जाम कर सकता। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है आज घर पे जाने के बाद अपना आरसीसीबी देखें और जिसको पता पे बताएं कि आरसीसीबी जरूरी है। कुछ भी ईयर में ही हमको सेंसेशन होना चालू हो जाता है, उसका इफेक्ट 10 मिली एम्पियर 15 मिली एम्पियर पे हो सकता है, हमको छोटा सा एक वन इंजुरी भी हो जाए कि हमको झटका लग जाए। 30 मिली एम्पियर हम लोग ने ऐसा मान के रखा है कि 30 गाइडलाइंस के हिसाब से 30 मिली एम्पियर से ऊपर ह्यूमन बॉडी के लिए डेथ का कॉज बन सकता है, इसलिए हम लोग उसका सेटिंग 30 मिली एम्पियर रखें। एक्चुअली क्या तीन चीज किसी भी व्यक्ति के डेथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, पहला तो अमाउंट ऑफ करेंट, जैसे कि इसमें हम लोग ने सेटिंग डाल के रखा है 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करेंट। सेकेंड थिंग्स इज वो कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है, 30 मिली एम्पियर कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है, वो है 3 सेकेंड। अगर 30 मिली एम्पियर 3 सेकेंड से ज़्यादा फ्लो हुआ तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन या हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। दूसरा, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो करेंट का फ्लो का पाथ क्या है। अगर मान लीजिए कि अगर मेरा इस हाथ में अगर कोई शॉक लगता है तो किसके थ्रू ग्राउंड होगा, ये मेरा हैंड के थ्रू ग्राउंड होगा, मेरे हार्ट पे आएगा, हार्ट से मेरा नीचे जाएगा पैर, क्योंकि उसको पाथ चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ है, अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट है, कितने ड्यूरेशन के लिए वो करंट है, और करंट का पाथ क्या है। ये तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी की व्यक्ति की डेथ होने के लिए। अगर वो हार्ट से पास हो रहा है तो उसकी डेथ जल्दी होगी, क्योंकि उसको कार्डियक अरेस्ट आएगा, ब्लड का फ्लो रुकेगा, कार्डियक अरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये सबसे चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें तो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो ड्राई कंडीशन में अराउंड 1000 से 10000 रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द